अगर आपने उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल किया है और आप उसकी तैयारी पूरी लगन के साथ करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें ऑलिव बोर्ड का यूपीएसआई न्यू बैच। इस बैच में आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, मॉक टेस्ट जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित होंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए और अपने सिलेक्शन को एश्योरिटी देने के लिए ज्वाइन करें ऑलिव बोर्ड का न्यू बैच। हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी का साइंस फैकल्टी एंड सभी का वेलकम करता हूँ ऑली बोर्ड में। एंड सो हाउ आर यू, हाउ योर स्टडीज आर गोइंग गाइस? आई होप यू गाइस आर वेल। एंड इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन, दिस इज योर पार्ट थर्ड, टॉप 30 बायोलॉजी एमसीक्यू। ओके, सो अपनी एक एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसमें अपन साइंस के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। एंड तो आज के इस सेशन में अपन फिर से बायोलॉजी के 30 एमसीक्यूज देखेंगे एंड दिस इज योर पार्ट 3 ऑफ बायोलॉजी एमसीक्यूज। ओके, टॉप 30 बायोलॉजी एमसीक्यूज क्वेश्चन, ठीक है? और सभी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? तो आप प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं एंड यू विल गेट वीडियोज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ओवर द ईयर। ओके, जो भी आपके सेशन प्रीवियसली हो चुके हैं, ठीक है? चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, जितने भी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं फटाफट थोड़ा सा ज्वाइन करें सेशन, फिर अपनी क्लास आज की अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? टॉप 30 बायोलॉजी एमसीक्यू, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, और वो ये है कि ऑली बोर्ड ने अपना मिशन एसएससी एमटीएस का बैच लॉन्च किया है और ये प्रैक्टिस बैच एक होने वाला है, मिशन एसएससी एमटीएस बैच, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। ओके, एंड बाय अप्लाइंग कूपन कोड एसएससी 40 यू विल गेट 40% ऑफ इन दिस कोर्स। 40% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट आपको इस कोर्स में मिलेगा एंड यू विल गेट 100+ कॉन्सेप्ट वीडियोस एज वेल एज ऑल इंडिया टेस्ट फॉर टीयर 1 एग्जामिनेशन। आपको 100 सेक्शनल प्लस टॉपिक टेस्ट मिलेंगे। अगर आपका कोई सेक्शन वीक है तो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम हियर। और साथ में फैकल्टी के साथ लाइव प्रैक्टिस सेशंस मिलेगा वेयर यू विल बी एबल टू कॉम्पीट विद अदर एस्पायरेंट्स आल्सो एंड यू कैन चेक योर लेवल आल्सो। क्लियर? चलिए तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं एसएससी एमटीएस बैच। और इसके अलावा यूपीएसआई का सफलता बैच एसएससी ने अपना लॉन्च किया है एंड दिस इज बैच थर्ड। दो बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और ये पूरा लाइव प्रैक्टिस सेशन वाला बैच रहेगा और जिसमें टैग लाइन है गारंटी हमारी सिलेक्शन आपका रहेगा, ठीक है? पूरी आपकी गारंटी लेते हैं कि सिलेक्शन होगा आपका। 150+ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेसन्स मिलेंगे आपको अपना थियरी पोर्शंस कवर करने को। लेटेस्ट पैटर्न मॉक टेस्ट यू विल गेट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। लाइव प्रैक्टिस सेशंस इसमें भी आपको मिलेगा, साथ में अपडेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। व्हाट इज ऑली बोर्ड लाइव प्रैक्टिस सेशन, उसके बारे में आप यहां पे डिटेल में देख सकते हैं कि ऑली बोर्ड का लाइव प्रैक्टिस सेशन होता क्या है, कैसे आपको लाइव प्रैक्टिस सेशन में आपको फायदा मिलेगा। रायापाल गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे इस वक्त क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग। एक बार आ जाओ आप लाइव चैट में, एक बार आ जाओ, फिर क्लास को अपने शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? रजनीश गुड इवनिंग मेरे भाई, सभी को गुड इवनिंग यार, आ जाओ एक बार लाइव चैट में, मजा आ जाए। चलिए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज, रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ इट। ओके, एंड दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, you have to attempt the questions. चलिए बहुत ही बढ़िया। First question, which of the following are also known as suicidal bags of cell? ठीक है, which of the following are also known as suicidal bag of cell? किसे कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में भी जाना जाता है? Lysosomes या जायरा बानू, वेरी नाइस। Lysosomes इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। Lysosomes बेसिकली lysosomes contains digestive enzymes, okay? Lysosomes contains digestive enzymes and these digestive enzymes capable of digesting cells and unwanted materials. That's why we call it suicidal bag, okay? Lysosomes. Next question. Harmful bacteria in potable water make the water what? Harmful bacteria in potable water make the water what? नेहा ए ऑप्शन। ओके, हार्मफुल बैक्टीरिया इन पोटेबल वाटर मेक्स द वाटर अनफिट टू ड्रिंक, स्मेली, कलर्ड और टर्बिड। इट इज व्हाट? इट इज
अनफिट टू ड्रिंक, इट इज अनफिट टू ड्रिंक. ओके, सो ए ऑप्शन अगेन इज द राइट आंसर, अनफिट टू ड्रिंक. बिकॉज ऑफ दिस हार्मफुल बैक्टीरिया आपको कौन सी डिसीज हो सकती है? डायरिया. ओके, डायरिया एंड टाइफाइड फीवर कैन कॉजेज दिस बाय दिस हार्मफुल बैक्टीरिया. डायरिया एंड टाइफाइड फीवर मे अकर बिकॉज ऑफ दीज हार्मफुल बैक्टीरियाज. दैट्स वाई वो वॉटर जो आप पीते हैं जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया होती है वो अनफिट हो जाता है टू ड्रिंक के लिए, मतलब आप उसे पी नहीं सकते. ठीक है, वो खराब हो जाता है, अनफिट टू ड्रिंक. विच ड्रग इज यूज एज एन एंटी डिप्रेसेंट, विच ड्रग इज यूज एज एन एंटी डिप्रेसेंट मीन्स टू रिमूव एंजाइटी और स्लीपिंग डिसऑर्डर, दैट इज डिप्रेसेंट थिंग्स. ओके, विच ड्रग इज यूज एज एंटी डिप्रेसेंट, किसको एंटी डिप्रेसेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? टेल मी विच ड्रग इज यूज एज एन एंटी डिप्रेसेंट. ऑक्सीब्यूटाइनिन, ट्रेमाडॉल, सुमेट्रीपेटन एंड ब्यूप्रोपियॉन. इट्स डी ऑप्शन ब्यूप्रोपियॉन. इट इज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग विच मीन्स इट हेल्प्स टू रिड्यूस एंजाइटी, इट हेल्प्स टू रिड्यूस एंजाइटी, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा. ओके, इट इज यूज टू रिमूव एंजाइटी एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा. ट्रेमाडॉल, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग. बेसिकली ट्रेमाडॉल इट इज अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर, इट इज अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग पेन किलर. ये आपकी दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था ट्रेमाडॉल के बारे में, इट इज अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर. प्रॉन्स बिलोंग्स टू विच फैमिली, प्रॉन्स झींगे जिसे कहते हैं किस परिवार में आते हैं? प्रॉन्स बिलोंग्स टू विच फैमिली? सी ऑप्शन नहीं होगा गाइज, नेहा पाल रजनीश. प्रॉन्स बिलोंग्स टू विच फैमिली? यस, क्रस्टेशियंस. ओके, क्रस्टेशियंस इज द राइट आंसर, वेरी नाइस. क्रस्टेशियंस इज द राइट आंसर. बेसिकली झींगे फिश नहीं होते, ठीक है, झींगे फिश नहीं होते, दे कम्स अंडर क्रस्टेशियंस. एंड वॉट आर क्रस्टेशियंस? बेसिकली दे आर आर्थ्रोपॉड्स. दे आर वॉट? दे आर आर्थ्रोपॉड्स, दे आर आर्थ्रोपॉड्स. एंड वॉट आर द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपॉड्स और क्रस्टेशियंस? क्रस्टेशियंस. बाकी दूसरे एग्जाम्पल क्या है? लाइक क्रैब्स. ओके, केकड़ा जिसे कहते हैं, लाइक क्रैब्स. और आपका प्रॉन्स, प्रॉन्स तो क्वेश्चन में ही हो गया. और आपका लॉबस्टर, दीज आर वॉट? दीज आर सी फूड्स. बेसिकली दीज आर सी फूड. क्रेफिश, क्रेफिश. दीज आर वॉट? दीज आर क्रॉस्टियंस. ओके, ये आपके क्रॉस्टियंस के अंडर में आते हैं. एंड दीज आर सी फूड्स. ओके, सो लॉबस्टर, क्रेफिश, क्रैब्स, ये सब आपके क्या होते हैं? फिश नहीं होते हैं, क्रॉस्टेशियंस होते हैं. क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, ए ऑप्शन. नो, डेकापॉड इज नॉट द राइट आंसर. यस, नेहा, जायरा, बानू, रजनी, वेरी नाइस, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके ओके, रायपाल, गॉट इट, सॉरी, या राइट, यू आर राइट. नेम द ड्रग दैट इज यील्डेड फ्रॉम सिंकोना ट्री एंड इज यूज्ड टू क्योर मलेरिया डिसीज. नेम द ड्रग दैट इज यील्डेड फ्रॉम सिंकोना ट्री. ठीक है, सिंकोना पेड़ से कौन सी दवा बनाई जाती है जो कि मलेरिया को ठीक करने में यूज की जाती है? नेम द ड्रग दैट इज यील्ड फ्रॉम सिंकोना ट्री एंड इज यूज टू क्योर मलेरिया. यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर गाइज, वेरी नाइस. क्यूनाइन इज द राइट आंसर. क्यूनाइन इज अ ड्रग विच हेल्प्स टू क्योर मलेरिया. मलेरिया, इट इज अ प्रोटोजोआन डिसीज. इट इज अ प्रोटोजोआन डिसीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो. स्नेक वेनम इज हाईली मॉडिफाइड सलाइवा कंटेनिंग वॉट? स्नेक वेनम इज हाईली मॉडिफाइड सलाइवा कंटेनिंग वॉट? स्नेक वेनम इज हाईली मॉडिफाइड सलाइवा कंटेनिंग वॉट? प्रोटोटॉक्सिन्स, न्यूरोटॉक्सिन्स, जूटॉक्सिन्स, इलेक्ट्रोटॉक्सिन्स. स्नेक वेनम, जूटॉक्सिन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन. बेसिकली स्नेक वेनम जो सांप का जहर है, इट इज अ मॉडिफाइड सलाइवा, मॉडिफाइड सलाइवा एंड इट कंटेन्स जूटॉक्सिन. एंड दिस सलाइवा बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स. स्नेक सलाइवा, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स. देयर इज 20% एंजाइम्स
एंड 80% प्रोटीन्स इन स्नेक वेनम, ओके, एंड इट इज अ मॉडिफाइड सलाइवा, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस, जू टॉक्सिन, यही आपका जहर का कारण बनता है, पॉइजन का, ओके, जू टॉक्सिन, क्लियर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वस एसिनस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वस एनेक्सिस, सॉरी, इक्वस एसिनस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, डंकी, काउ, डियर, एलिफेंट, किसका ये साइंटिफिक नेम है, रासायनिक नाम किसका है ये, बताओ, डंकी, वेरी नाइस, डंकी इज द करेक्ट आंसर, डंकी. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काऊ, काऊ का जो साइंटिफिक नेम है वो बॉस टॉरस है, क्या है, बॉस टॉरस. एंड डियर का जो साइंटिफिक नेम है वो है सर्विडेई, सर्विडेई. एंड एलिफेंट का जो इंडियन एलिफेंट है उसका है एलिफेस, एलिफेस मैग्जिमस इंडिकस, मैग्जिमस इंडिकस, ओके, ये साइंटिफिक नेम है एलिफेंट का. जो आपका अफ्रीकन एलिफेंट है, अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है, आपको ये भी ऑप्शन में मिल सकता है, अफ्रीकन एलिफेंट का जो साइंटिफिक नाम है वो है लॉग्जोडोन्टा, लॉग्जोडोन्टा, क्लियर, सो यू कैन गेट लॉग्जोडोन्टा इन ऑप्शन ऑल्सो, लॉग्जोडोन्टा एंड एलिफेस मैक्सिमस इंडिकस, बोथ आर द साइंटिफिक नेम ऑफ एलिफेंट. सर्विडेई इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डियर, बॉस टॉरस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काउ, एंड इक्वस एसिनस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डंकी, क्लियर, यस रजनी, दायरा वन, वेरी नाइस. इन विच फॉर्म इज ग्लूकोज स्टोर्ड इन बॉडी, इन विच फॉर्म इज ग्लूकोज स्टोर्ड इन बॉडी, हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में रहता है, स्टोर रहता है, इंसुलिन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और फैट, इन विच फॉर्म इज ग्लूकोज स्टोर्ड इन अवर बॉडी, वेरी नाइस, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ब्रेन फीवर इज अ डिसीज स्प्रेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्रेन फीवर इज अ डिसीज स्प्रेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, दिमागी बुखार निम्नलिखित में से किस कीट से फैलता है, ब्रेन फीवर इज अ डिसीज स्प्रेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्लाइज, मॉस्क्यूटोज, वायरस और कॉकरोचेस, टेल मी गाइस, ब्रेन फीवर, नॉट वायरसेस राया, इट इज बिकॉज ऑफ मॉस्क्यूटोज, ओके, मॉस्क्यूटो बाइट से, मॉस्क्यूटो बाइट से ब्रेन फीवर होता है, मॉस्क्यूटो इज द राइट आंसर, ओके, मॉस्क्यूटो इज द राइट आंसर, ब्रेन फीवर बिकॉज ऑफ द बाइट ऑफ मॉस्क्यूटो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज बटरफ्लाई शेप इन ह्यूमन बॉडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज बटरफ्लाई शेप इन ह्यूमन बॉडी, कौन सी ग्लैंड बटरफ्लाई शेप की होती है, एड्रिनल, थाइमस, पीनियल और थायराइड, इट इज थायराइड ग्लैंड, ओके, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, थायराइड ग्लैंड कहां पे होता है, ह्यूमन के नेक पे, ह्यूमन के कहां पे होता है, नेक पे होती है थायराइड ग्लैंड, यहां पे आपकी थायराइड ग्लैंड होती है और ये कुछ इस शेप में ऐसे बटरफ्लाई के शेप में होती है, ठीक है, बटरफ्लाई के शेप में आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, ऐसे इस शेप में, बटरफ्लाई शेप में, इट इज प्रेजेंट इन अवर नेक एंड इट इज बटरफ्लाई इन शेप, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ओके, एंड इट रिलीजेज हार्मोन थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन, इट रिलीजेज हार्मोन थायरॉक्सिन, क्लियर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. मोपुरी, नो, मोपुरी ओबलू, नो, पिनियल इज द रॉन्ग आंसर, मोपुरी, थायरॉइड इज द करेक्ट आंसर, पिनियल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ब्रेन, इन द सेंटर ऑफ ब्रेन, हमारे दिमाग के बीच में प्रेजेंट है, ओके, लाइक द मिडिल ऑफ द टू डी शेप ऑफ अवर ब्रेन, इन द मिडिल ऑफ टू डी शेप ऑफ द ब्रेन, ओके, एंड यस,
एड्रिनल ग्लैंड इट इज प्रेजेंट ओवर द किडनी, एड्रिनल ग्लैंड इट इज प्रेजेंट ओवर किडनी, एंड थाइमस ग्लैंड इट इज प्रेजेंट इन द लंग्स कैविटी, बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन योर चेस्ट कैविटी, ठीक है, बीच में, हमारे चेस्ट के बीच में होता है चेस्ट कैविटी, इट इज प्रेजेंट इन अवर चेस्ट कैविटी, थाइमस ग्लैंड, ओके। पल्सेज आर रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, 11th क्वेश्चन, पल्सेज आर रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, वॉट, फ्लाइट और फाइट ब्रो, पल्सेज आर रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स, यस प्रोटीन्स, ऑब्वियसली ऑब्वियसली प्रोटीन्स आर द, सॉरी पल्सेज आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, पल्स में यानी दाल में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नोन सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नोन सेल इन द वर्ल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट इन द वर्ल्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नोन सेल, Which one of the following is the largest known cell? Eukaryotic, prokaryotic or mycoplasm or ostrich eggs? Yes, ostrich egg is the right answer. D option is the right answer, guys. Ostrich egg is the largest single cell in the world. It is the largest single cell in the world. Okay, it is the largest single cell in the world. Ostrich egg, ठीक है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आदित्य मोहंता, सी ऑप्शन इज नॉट द राइट आंसर ब्रो। 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ओके, मानव शरीर का जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में किसे जाना जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन, पैंक्रियाज और लीवर, इट इज लीवर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इट इज लीवर, ओके, लीवर इज द राइट आंसर, बिकॉज टॉक्सिक सब्सटेंस को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कौन करता है, लीवर, इट कन्वर्ट्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इट कन्वर्ट्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंटू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन अवर बॉडी by the use of enzymes, that's why we call it biochemical laboratory of human body, biochemical laboratory of human body, and after that our body can easily digest these non-toxic substances, okay, so liver is the biochemical laboratory, very very important, aur ek aur cheez, liver is the largest gland in human body, liver is the largest gland in human body, manav sharir ki sabse badi granthi hoti hai ye human body, and it is a exocrine gland, not endocrine. Pancreas is the largest endocrine gland. Pancreas, it is the largest endocrine. Antastravi granthi. Pancreas is the largest endocrine gland in human body. Human body. Clear? And liver is the largest gland because liver is the exocrine gland. Clear? Elapidae naja is the scientific name of, Elapidae naja is the scientific name of, Elapidae naja, it is the scientific name of cobra, elephant, eagle or owl, cobra, elephant, eagle or owl, Elapidae naja is the scientific name of what, it is the scientific, yes Rayapal, very nice, it is the scientific name of cobra, cobra is a snake, Elapidae naja, similarly scientific name of eagle is aquila, aquila is the scientific name of eagle, elephant is Elephas maximus indicus and owl scientific name is strigoformes, strigiformes, strigiformes is the scientific name of owl and Elephas maximum is the maximus is the scientific name of elephant. So this is somewhere little bit difficult to remember, but still scientific names are very very important for examination. ठीक है, बहुत important है scientific name. So आपको याद करने ही है. At least common common scientific name please try to remember. Okay. Naja Naja Rayapal. Okay. Elapidae Naja.
सांप के पास नहीं जाया जाता, सो कोबरा के पास ना जा, इलेपिडेई ना जा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा। ऐसे थोड़े थोड़े निमोनिक्स बना के यू कैन रिमेम्बर। ऑर्गेनिजम्स दैट जनरेट एनर्जी यूजिंग लाइट आर नोन एज, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करने वाले जीवों को किस रूप में जाना जाता है? हाँ, नागिन, नागिन नजा, उधर नागिन है नजा, कोबरा। नाइस गाइस, नाइस। ऑर्गेनिजम्स दैट जनरेट एनर्जी यूजिंग लाइट आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉप्स। या ऑब्वियसली फोटो ऑटोट्रॉप इज द राइट आंसर, फोटो ऑटोट्रॉप, बिकॉज फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यू कैन रिमेम्बर। सो फोटो इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट, ये किससे है, प्रकाश से संबंधित है, इट इज समवेयर रिलेटेड टू लाइट। सो फोटो ऑटोट्रॉप आर द ऑर्गेनिजम्स दैट जनरेट एनर्जी यूजिंग लाइट। क्या है, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी आपका फोटो ऑटोट्रॉप है, एल्गी, एल्गी भी आपका फोटो ऑटोट्रॉप है, वेरियस ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स, ये क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये कैसे अपना फूड बनाते हैं, दे जनरेट एनर्जी यूजिंग लाइट, और दे मेक देयर फूड बाई यूजिंग लाइट, फोटो ऑटोट्रॉप्स। ओके, मेसोथेलियोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर, मेसोथेलियोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर, द मोस्ट कॉमन एरिया अफेक्टेड इन इट इज द लाइनिंग ऑफ द व्हाट, इट इज द लाइनिंग ऑफ द व्हाट, मेसोथेलियोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर। ओके, रिमेंबर मेसोथेलियोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर, द मोस्ट कॉमन एरिया अफेक्टेड इन इट इज द लाइनिंग ऑफ व्हाट। लाइनिंग ऑफ लंग्स, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इट इज द लाइनिंग ऑफ लंग्स, नॉट ब्रेन, इट इज द लाइनिंग ऑफ लंग्स। बेसिकली एक तरह का ये लंग्स कैंसर है, ठीक है, एक तरह का ये लंग्स कैंसर है, इसको नाम क्या बोला जाता है, मेसोथेलियोमा, मेसोथेलियोमा एक तरह का ये लंग्स कैंसर है आपका, ठीक है। तो लंग्स इज द राइट आंसर, नो नॉट ब्रेन और हार्ट, लंग्स इज द राइट आंसर। Which of the following is the cleanest source of energy? Which of the following is the cleanest source of energy? ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत, स्वच्छ स्रोत किसे माना जाता है? बायोफ्यूल, फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर पावर और विंड एनर्जी। दिस इज इजी ना? नो शानदेश ब्रो, व्हाई न्यूक्लियर एनर्जी यार, इन न्यूक्लियर एनर्जी देयर इज सॉरी, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ओके, न्यूक्लियर पावर, एंड देयर इज अ वेस्ट मटेरियल, देयर इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर। विंड एनर्जी इज द राइट आंसर, विंड एनर्जी, ठीक है, इसका आपका ये क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, या डी ऑप्शन। व्यंकट, आदित्य, बहुत ही बढ़िया, जायरा बानू, मोपुरी ब्रो, फॉसिल फ्यूल्स क्रिएट लॉट ऑफ स्मोक इन द एटमोसफियर ना, हाउ इट कैन बी क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, विंड एनर्जी इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। सिनेप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, वेरी इजी क्वेश्चन, सिनेप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे एक्चुअली बिल गेट, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव न्यूक्लियर एनर्जी, दे कैन रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स इन द वर्ल्ड, हाँ तो ऑब्वियसली ना, व्हाई ही वॉन्ट्स टू डू दैट, बिकॉज वी आर यूजिंग सो मच ऑफ कोल, वी यूज सो मच ऑफ कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ना इन थर्मल पावर प्लांट्स, सो टू रिमूव कार्बन फ्रॉम द एटमोसफियर और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, सॉरी we are trying to convert our energy source towards what, towards wind energy or nuclear power plant, because nuclear power plant is less pollution making in comparison to coal thermal power plants, okay, that's why, it doesn't mean that it is the cleanest source of energy, okay, it doesn't mean it is the cleanest source of energy. Synapse gap is present between which of the following, between two neurons, A option is the right answer, okay.
या रजनीश रायापाल, वेरी नाइस. न्यूरॉन्स इज द राइट आंसर. हियर यू कैन सी दिस इज अ न्यूरॉन सेल, दिस इज अ न्यूरॉन सेल. एंड वॉट हियर इज सिनेप्टिकल टर्मिनल्स आर प्रेजेंट इन द एंड ऑफ द न्यूरॉन टेल एंड वेयर इट हैज ज्वाइंड, वेयर इट इज ज्वाइनिंग विद द अनदर न्यूरॉन. दिस इज फर्स्ट न्यूरॉन सेल एंड दिस इज सेकेंड न्यूरॉन सेल, दिस इज सेकेंड न्यूरॉन सेल. एंड वेयर वन न्यूरॉन ज्वाइंस विद द अनदर न्यूरॉन्स, that gap is known as synapse gap. There is a very small gap present, there is a small gap present that is known as synapse gap. Okay, and this is these are what is synaptical terminal, synaptic terminal which join with the other neuron. Clear? Very important. And these are known as dendrites, these are known as dendrite. Okay, very important. These are known as dendrite, hair like structure, this is known as dendrite. Okay, and this tail of neuron, it is known as axon. It is known as axon, very important. And this is cell body. This is cell body of neuron. So remember these things: cell body, axon, dendrite, and synaptic gap or synapse gap. Which organelle is also called as powerhouse of the cell? Very easy question. It is mitochondria, obviously. Mitochondria is called as powerhouse of the cell. Mitochondria, basically, mitochondria produces energy for itself in the form of ATP. That is adenosine triphosphate. Adenosine, yeah, mitochondria is the right answer. Adenosine triphosphate. Why it is known as powerhouse of the cell? Mitochondria has its own DNA. Okay, so it can produce its own food or its own energy in the, and always it produces energy in the form of ATP. ATP, which is required for the metabolic function of the cell, which is required for the metabolic functioning of the cell. Metabolic functioning of the cell. Isiliye required hota ATP. What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. Okay. Which of the following are longest cell of human body? Which of the following are longest cell of human body? Aditya Mohanta, bro, no. आपकी जो साइंस क्लास होती है वो ट्यूजडे एंड थर्सडे को होती है. ट्यूजडे एंड थर्सडे को 8 PM पे होती है. ठीक है, रिमेंबर द टाइमिंग प्लीज. ट्यूजडे एंड थर्सडे 8 PM साइंस क्लास होती है, मैं ही लेता हूँ साइंस क्लास. एंड मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे आपकी कौन सी क्लास होती है? मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 4 PM योर क्वांट क्लास. कौन लेता है? मैं ही लेता हूँ. ठीक है, आपके सौरभ सर क्वांट क्लास, मैथ की अपनी क्लास होती है. सो यू कैन ज्वाइन बोथ द क्लासेस. ओके, अगर नोटिफिकेशन ना भी आया करे ना तो आप लोग याद रखा करो प्लीज. अपने पास ये नोट करके रख लो कि ट्यूजडे थर्सडे 8 PM पे साइंस होती है. एंड ये भी नोट कर लो, मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 PM पे क्वांट क्लास होती है मेरी. ओके, तो प्लीज कम टू द क्लासेस विदाउट, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग नोटिफिकेशन ऑल्सो, स्टिल प्लीज ट्राई टू कम इन द क्लासेस. वॉट इज द राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? यस, नर्व सेल इज द राइट आंसर. जो अपने ने देखा ना, न्यूरॉन सेल्स या नर्व सेल्स, दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी. लॉन्गेस्ट सेल, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तरह से अगर बताओ आपकी, ठीक है, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल, अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे, एक क्वेश्चन आने वाला है. सो लॉन्गेस्ट सेल आपका अभी नर्व सेल है. ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चन पे बात कर लेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वॉट इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग? ठीक है, वॉट इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग? वॉट अबाउट 9 PM? इज देर एनी सेशन 9 PM? देर इज नो सेशन एट 9 PM ना? नो, एक्चुअली बिकॉज अपनी 9 PM सेशन इसलिए हो रहा था ना क्वांट का, बिकॉज मेरी एक पेड क्लास हो रही थी 4 से 5, दैट्स वाई हम उस सेशन को शिफ्ट कर रहे थे 9 PM पे. लेकिन जो आपका रेगुलर टाइम टेबल है, इट इज मंडे ट्यूजडे, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे एट 4 PM. ओके, बिकॉज ऑफ सम पेड क्लासेज आई हैव टू रीशेड्यूल द क्लास एट 9 PM. ओके, दैट इज नॉट द फिक्स शेड्यूल ऑफ मैथ क्लासेस. अजान, बी ऑप्शन. नो, मलेरिया इज नॉट द राइट आंसर. Tuberculosis, yes, tuberculosis is the right answer. White plague, tuberculosis is known as white plague. ठीक है, इसे
सफेद प्लेग, प्लेग को क्या बोलते हैं यार हिंदी में? इट इज नोन एज व्हाइट प्लेग. क्लियर? नो नो, नॉट एच आई वी, नॉट एच आई वी, ट्यूबरक्लोसिस. एंड टीबी, टीबी इज अ बैक्टीरियल डिसीज, टीबी इज अ बैक्टीरियल डिसीज. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरियम? माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई, माइको बैक्टीरियम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया. क्लियर? एंड टाइफॉइड, इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिसीज, टाइफॉइड इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिसीज कॉज्ड बाय द वॉट इज द सल्मोनेला टाइफी. यस, सल्मोनेला, सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया. मलेरिया इज अ प्रोटोजोअन डिसीज एंड ह्यूमन इम्यून वायरस एच आई वी, इट इज अ वायरल डिसीज. ओके, प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स ऑल्सो, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. दिस इज अ प्रोटोजोअन डिसीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो. एंड वॉट इज द नेम ऑफ द प्रोटोजोआ? वॉट इज द नेम ऑफ द प्रोटोजोआ? जस्ट लेट मी रिकॉल, वॉट इज द नेम ऑफ द प्रोटोजोआ विच कॉजेज मलेरिया? बताओ यार, मेरे को अभी अभी भूल गया. यस, वाइडल टेस्ट इज फॉर टाइफॉइड. रजनी इज वेरी नाइस. प्रोटोजोआ का नाम देख लेना मलेरिया का, ठीक है? अभी अभी मुझे भूल गया क्या होता है. विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? क्वेश्चन नंबर 22. विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? फिबुला, टीबिया, स्टेप्स ऑफ फीमर. यस यस, प्लाज्मोडियम पैरासाइट. वेरी नाइस राया, राया. यस, प्लाज्मोडियम पैरासाइट. ओके, प्लाज्मोडियम इज द नेम ऑफ द प्रोटोजोआ. वेरी गुड. यस, फीमर इज द राइट आंसर. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. अजान, वेरी नाइस. फीमर बोन, फीमर बोन, इट इज द लार्जेस्ट बोन और लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. ओके, एंड स्टेप्स, दिस इज द, इट इज द स्मॉलेस्ट बोन. स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. एंड टीबिया एंड फिबुला, दीज टू आर द बोन्स, दीज टू आर द बोन्स प्रेजेंट इन आवर द लोअर पार्ट ऑफ द लेग, लोअर पार्ट ऑफ द लेग, लोअर पार्ट ऑफ लेग. जैसे आपका ये लेग है ना, इट इज योर लेग, दिस इज योर नी, एंड दिस इज योर लोअर पार्ट ऑफ द लेग, दिस इज योर लोअर पार्ट ऑफ द लेग, एंड दिस इज योर फूट. ओके, सो हियर फीमर बोन इज प्रेजेंट, फीमर बोन इज प्रेजेंट, दैट इज थाई बोन, थाई बोन और फीमर बोन. एंड इन द लोअर पार्ट ऑफ लेग देयर आर टू बोन्स, इन द लोअर पार्ट ऑफ द लेग देयर आर टू बोन्स प्रेजेंट. एंड वॉट इज द नेम ऑफ दीज बोन्स? टीबिया एंड फिबुला, टीबिया एंड फिबुला. क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, टीबिया एंड फिबुला. एंड फीमर बोन, इट इज प्रेजेंट इन अवर ईयर. स्टेप्स कहाँ प्रेजेंट है? ईयर में. इसी तरह हाथ का भी याद रख लो, दिस इज योर हैंड. ओके, एंड दिस इज योर एल्बो, एंड ये आपका हैंड है. दीज आर फाइव फिंगर्स ऑफ योर हैंड. ये अपर पार्ट है हैंड का, ये होता है ह्यूमरस बोन. इन द अपर आर्म, इन द अपर आर्म सिंगल बोन इज प्रेजेंट. अपर आर्म, अपर आर्म, वॉट इज द नेम ऑफ दिस बोन? ह्यूमरस. याद आ गया तो लिखी लो, ह्यूमरस बोन. एंड इन द लोअर आर्म देयर आर अगेन टू बोन्स आर प्रेजेंट इन द लोअर आर्म ऑल्सो. यहाँ पे दो बोन्स प्रेजेंट है. क्या है इनका नाम, क्या है बताओ? इनका नाम क्या है? लोअर आर्म में हमारी दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, मेनली दो बोन प्रेजेंट होती हैं. वैसे तो 16 हड्डियां होती हैं हाथ में, लेकिन मेनली जो दो बोन है उनका नाम है रेडियस एंड अल्ना. वन इज रेडियस एंड अनदर वन इज अल्ना, वन इज रेडियस एंड अनदर वन इज अल्ना. क्लियर? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd. Both hemoglobin and myoglobin requires what for its formation? Hemoglobin और myoglobin किससे बनता है? Hemoglobin and myoglobin requires what for formation? Yes, iron is the right answer. Very nice. Iron is the right answer. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीमोग्लोबिन आयरन इज प्रेजेंट, आयरन इज प्रेजेंट
एंड दैट्स वाई इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड. इट इम्पार्ट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन इट इम्पार्ट्स रेड कलर. इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड. ठीक है, आपका जो खून लाल रंग का दिखता है वो इसी कारण से दिखता है, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के कारण, बिकॉज ये आयरन से बने होते हैं. क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है. यस वेंकट, वेरी नाइस. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द मेंटेनेंस ऑफ पॉस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम? विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द मेंटेनेंस ऑफ पॉस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम? ब्रेन स्टेम, डाइनसेफेलॉन और सेरिब्रम और सेरिबेलम? वॉट इज द करेक्ट आंसर? एनीमिया कॉजेज बाय द डेफिशियंसी ऑफ आयरन. ओके, एनीमिया इज अ डिसीज कॉज बाय द डेफिशियंसी ऑफ आयरन. यस सेरिबेलम, वेरी नाइस जायरा. सेरिबेलम इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेन, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट. एंड ये कहाँ पे होता है? बैक साइड में प्रेजेंट होता है. सेरिब्रम कहाँ प्रेजेंट होता है? बैक साइड ऑफ ह्यूमन ब्रेन. ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बैक साइड ऑफ ह्यूमन ब्रेन. ठीक है, और ये आपके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. दैट इज योर वॉलंटरी एक्शंस. बेसिकली इन सिंगल वर्ड यू कैन से द ब्रेन विच कंट्रोल्स योर वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी एक्शंस इज सेरिब्रम. दैट इज लाइक यू आर राइडिंग अ बाइसिकल. ओके, सो यू आर मेंटेनिंग योर बैलेंस एट दैट टाइम. ओके, यू आर मेकिंग एन इक्विलिब्रियम एट दैट टाइम वाइल राइडिंग बाइसिकल, वाइल राइडिंग मोटर बाइक. ओके, सो दीज आर योर वॉलंटरी एक्शन एंड दीज आर ऑल परफॉर्म्ड बाय सेरिबेलम. ओके, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, योर वे ऑफ वॉकिंग, ओके, आपके खड़े होना, आपके हाथ का मूवमेंट करना किसी भी चीज के लिए, ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम. क्लियर? सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? स्पर्म सेल, ओवम सेल, नर्व सेल, ब्लड सेल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे ज्यादा छोटा सेल कौन सा है मानव शरीर में? यस, ऑसम. ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है. स्पर्म सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी. स्पर्म सेल, ओवम सेल और फीमेल एग, और फीमेल एग, दिस इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी. लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, फीमेल. ओके, और मेल स्पर्म और स्पर्म सेल, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल. एंड नर्व सेल, इट इज द लार्जेस्ट, सॉरी, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल, नॉट लार्जेस्ट. ऑब्वियसली फीमेल एग और ओवम सेल इज द लार्जेस्ट, इट इज लॉन्गेस्ट सेल, इट इज लॉन्गेस्ट सेल. सो लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, वॉट आर दीज थ्री सेल्स इन ह्यूमन बॉडी? स्मॉलेस्ट इज स्पर्म, लार्जेस्ट इज फीमेल एग एंड द लॉन्गेस्ट वन इज नर्व सेल. All are very very important. No, no, blood cell is not the right answer, bro. Okay, blood cell is not the right answer. Clear? Largest, longest and smallest, all three are very very important. Next, the DNA fingerprinting was given by, who was the scientist who has given the DNA fingerprinting and he has discovered this in 1984? DNA fingerprinting was given by, what is the name of the scientist? He invented DNA fingerprinting. He invented DNA fingerprinting in 1984 and he was Alex Zephyr. Alex Zephyr is the right answer. B option, Alex Zephyr invented the DNA fingerprinting in 1984. Which of the following organelle is called brain of the cell? Very important. Very easy also. No, not Altman, not Richard. Okay, which of the following organelle is called brain of the cell? Cilia, chromatin, lysosome, nucleus? Obviously nucleus. Okay, nucleus is called brain of the cell. Very very important, easy, nucleus. And who discovered nucleus? Who discovered nucleus or who has given the name nucleus? Discovered or name given by, discovered or name given by. And who discovered cell also? Tell me,
वो द नेम हु डिस्कवर्ड सेल ऑल्सो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्कवरी एंड इन्वेंशन. सो हु डिस्कवर्ड सेल एंड हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, और हु हैज गिवन द नेम न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. ओके, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन एंड रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट, बोथ आर रॉबर्ट. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल एंड रॉबर्ट ब्राउन हैज गिवन द नेम न्यूक्लियस और डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल. क्लियर? रॉबर्ट ब्राउन, क्लियर? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल एंड रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. राइबोफ्लेविन इज वॉट? राइबोफ्लेविन इज वॉट? हॉर्मोन, फैटी एसिड, एंजाइम और विटामिन? राइबोफ्लेविन इज एन वॉट? वॉट इज राइबोफ्लेविन? यस. एंड विच विटामिन? विच विटामिन इज नोन एज राइबोफ्लेविन? राइबोफ्लेविन इज अ केमिकल नेम. यस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. राइबोफ्लेविन इज अ विटामिन, बट विच विटामिन इज नोन एज राइबोफ्लेविन? अनदर क्वेश्चन. नो नो नो, नॉट B6. इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B2. इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B2. वेरी नाइस रायपाल. आई टोल्ड यू वन थिंग ना, TRP 126. TRP 126 टोल्ड यू ना, रिमेंबर TRP 126. T stands for thiamine. R stands for riboflavin, riboflavin, and P stands for pyridoxin. Okay, and 6 stands for vitamin B6, 2 stands for vitamin B2, and 1 stands for vitamin B1. Okay, and similarly, I told you one thing that 3512, and what I told you that non-profitable compound interest, NPC. Non-profitable compound interest. Okay, this stands for what? NPC 35112. N stand for niacin. N stand for niacin. It is the chemical name of vitamin B3. P stand for pentathenoic acid. Pentathenoic acid. And it is the chemical name of vitamin B5. 12. It is the chemical name of vitamin B12. C stands for cyanocobalamin. Cyanocobalamin. Okay. And it is a cobalt containing vitamin. Here you can see cobala. It is a cobalt containing vitamin. Very, very important. Very, very important. Okay. So this is a short trick to remember. NPC 3512. Non-profitable compound interest, NPC. TRP. TRP of a SO is 126. Remember, in this way you will able to remember for a long time. Rajneesh Raipal, very nice guys. Is it understood to everybody? Clear? Awesome. Which of the following is a fibrous protein? Hemoglobin, albumin, keratin or enzyme? Which one of the following is fibrous protein? Keratin is the right answer. Okay, keratin is a fibrous protein. Basically, जो लोग जिम गए होंगे कभी, या जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, basically they consume keratin because keratin is a fibrous protein. It is a fibrous protein or rod or wire in shape. Rod or wire like shape it has. Okay, and it helps in what? Keratin basically it helps in to build connective tissues, tendons, bone matrix as well as muscle fiber. Okay, so basically it helps in the growth of tendons and muscle fiber. That's why bodybuilders consume this keratin. And this keratin basically it is a form of protein. And protein is essential requirement for the bodybuilding. Okay. Protein is the essential requirement for the bodybuilding. Clear? Very important.
नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस्ड इन अ मैन, मतलब जो दूध के दांत हैं जो झड़ जाते हैं, नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस्ड इन मैन आर, देयर आर फिक्स्ड नंबर ऑफ टीथ विच आर इररिप्लेसेबल दैट इट ग्रो ऑनली वंस इन अ लाइफ टाइम, इट ग्रो ऑनली वंस इन अ लाइफ टाइम, बट हाउ मेनी टीथ आर रिप्लेस्ड इन अ मैन? नो, 32, ऑल टीथ आर नॉट रिप्लेसेबल ब्रो, देयर आर 12 टीथ विच आर इररिप्लेसेबल, सो 20 इज द राइट आंसर, 20 आर द रिप्लेसेबल टीथ, दीज आर रिप्लेसेबल, जिन्हें कहते हैं दूध के दांत, मिल्क टीथ जिन्हें कहते हैं, देयर आर 20 मिल्क टीथ, दूध के दांत, ओके, एंड जो आपके कब बचपन में झड़ जाते हैं, 12 आर दोस टीथ विच ग्रो ऑनली वंस इन अ लाइफ टाइम, सो 12 टीथ आर देयर विच ग्रो ऑनली वंस इन अ लाइफ टाइम एंड 20 आर रिप्लेसेबल टीथ. नो, नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेसेबल इज 20, सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, नॉट 12. 12 इज द राइट आंसर आया, 12 इज द राइट आंसर. फॉर द टीथ विच ग्रो ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, बट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट टीथ विच आर रिप्लेसेबल, सो आंसर विल बी 20, आंसर विल बी 20 ईयर. क्लियर? इज इट क्लियर? अरे समझ में आता है. चलो, सो हियर योर क्लास एंड्स टुडे गाइज, वी हैव कवर्ड अवर 30 क्वेश्चन एंड आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द क्लास. ओके, सो thanks a lot for the tuning, and please do like the session, that is very important for me, and share with your friends also and tell them that their science classes are going on every Tuesday and Thursday, and their quant classes are going on Monday, Wednesday and Friday, okay, at 4 p.m. clear? So thanks a lot guys, and soon we will meet tomorrow in our 4 p.m. session, 4 p.m. quant session, and the day after tomorrow we will meet in our Again, tomorrow 4 p.m. quant session is at 9 p.m. okay, tomorrow 4 p.m. quant session is 9 p.m. because 4 p.m. I have paid LPS session. So tomorrow's 4 p.m. quant session, जो कल की 4 बजे वाली मैथ की क्लास है, वो रात के 9 बजे postpone है. Okay, so we will meet at 9 p.m. tomorrow's math class, and the rest schedule will be the same. So thanks a lot guys, have a nice day, thanks a lot for the tuning, please do like the video and share with your friends, okay, like करके जाना यार अभी ये last तक देख लियो तो, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए take care and bye bye, have a nice day. Hi guys, congratulations to all the students here who have cleared IB ACIO Tier 1 exam. Lakhs of students were there for Tier 1, but only approx 20,000 have cleared for Tier 2 exam. Now, these 20,000 will be attempting descriptive, which is part 2 of this particular paper. And I want you all to prepare thoroughly. And so we at Olive Board had come up with a course specifically for IB ACIO Tier 2 descriptive part. Which will include your RC strategy, of course. Second will be your essay writing, tips, format, content, strategy for all the very important essay topics. Thirdly, pressy writing, wherein rules are very important and how to write in your own words is what we will learn. So enroll now for this course. Also, the special part will be that you will get expert feedback for all of your essays and pressies. So evaluation will be done by the experts and you will get, you know, one-on-one guidance on writing these particular descriptive parts. So join now for the course and be among the few who will be there for the interview, which is the next stage. Guys, why wait? Join a new course. It starts from 12th of April.